हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर है 6th सॉल्यूशन चैप्टर, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, बैक एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर 6th कर रहे हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaCO3 कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट्स ऑफ बोथ। तो पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन में पूछ कह रहा है कि कितने मिलीलीटर HCl चाहिए, कौन सा HCl, इसकी मोलारिटी 0.1 मोलर दे रखी है और उसको हम रिएक्ट करा रहे हैं किसके साथ में, 1 ग्राम मिक्सचर है। किस चीज़ से बना मिक्सचर, वो Na2CO3 और NaCO3 से बना है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मिला के, दोनों का अमाउंट जो है वो मिला के 1 ग्राम, और दोनों के इक्विमोलर अमाउंट है। इक्विमोलर अमाउंट का मतलब क्या होता है कि मोलैरिटी सेम है, या फिर ये कह सकते हो आपके नंबर ऑफ मोल्स सेम है दोनों के। तो हम क्या करेंगे कि भाई मिक्सचर का अमाउंट दिया उसने 1 ग्राम, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे Na2CO3 को मैंने बोला कि चलो कितना ले लेते हैं, एक्स ग्राम ले लेते हैं। एक्स ग्राम ये हो गया, तो टोटली तो 1 ग्राम मिक्सचर है ना, 1 ग्राम मिक्सचर में से NaCO3 कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ग्राम। क्लियर, इतना समझ में आ ही गया होगा सबको। उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, मोलर मास निकाल सकते हो Na2CO3 का। Na2CO3 का मोलर मास निकालोगे तो कितना आएगा, वो आएगा आपके पास में 106 ग्राम पर मोल। ये मैंने निकाल के नहीं दिखाया आपको, डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, यहाँ सबको क्लियर होगा। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास ये रहा एक्स, जो कि हमने कहाँ से पुट करा है, यहाँ से पुट करा है। उसके बाद में ये क्या है, मोलर मास, जो कि अभी यहाँ से मैंने आपको बताया कि यहाँ पे से हम लोग यहाँ पर डाल देंगे मोलर मास को। मोलर मास गिवन मास डाल दिया दोनों, तो ये क्या आ गया मेरे पास में कि भैया इतने मोल्स होंगे किसके, सोडियम कार्बोनेट के। इसी तरीके से आगे करेंगे हम लोग, मोलर मास निकाल लिया हमने यहाँ पे किसका, ये 84 ग्राम पर मोल आ गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। इसी तरीके से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के मोल्स निकाल लेंगे, वो कैसे निकालेंगे, गिवन मास वो कितना है, 1 माइनस एक्स ग्राम हमने ऊपर लिया था, अपॉन मोलर मास ये रहा 84 ग्राम। तो यहाँ से हमारे को पता चल गया कि भाई इतने मोल्स ये होंगे किसके, NaCO3 के। उसके बाद क्वेश्चन में उसने क्या बोला, क्वेश्चन में उसने बोला कि 21 मोलर अमाउंट है दोनों का, तो इसका मतलब मैं नंबर ऑफ मोल्स को दोनों को क्या कर सकता हूँ, इक्वेट कर सकता हूँ। तो मैंने दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को इक्वेट कर दिया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 कितने थे हमारे पास में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 थे एक्स अपॉन 106, वो मैंने ये पुट कर दिया वैल्यू। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCO3 कितने थे मेरे पास में, 1 माइनस एक्स अपॉन 84, वो वैल्यू मैंने ये पुट कर दी। और दोनों को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, इक्वेट कर दिया। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में साफ बोला गया है कि क्या दे रखा है, 21 मोलर अमाउंट दे रखा है दोनों का। ये देखिए क्वेश्चन में यहाँ लिख रखा उन्होंने 21 मोलर अमाउंट ऑफ बोथ। ठीक है, क्लियर। अब क्या करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे, ये थोड़ी कटिंग हो गई थी यहाँ पे, सॉल्व करेंगे। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे आप, एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करोगे सॉल्व करके, तो एक्स की वैल्यू आपके पास में आएगी 0.557। ठीक, उसके बाद इसी तरीके से क्या करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे Na2CO3 के। नंबर ऑफ मोल्स Na2CO3 के कैसे निकालेंगे भाई, Na2CO3 के नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, एक्स अपॉन 106, ये एक्स अपॉन 106 वाली वैल्यू ही क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी मैंने यहाँ पे, x अपॉन 106 की जगह पे मैंने ये x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी यहाँ से, जो हमारे पास आई है ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करी यहाँ से, सॉल्व करके आंसर आएगा 0.00526। ठीक, उसके बाद इसी तरीके से x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCO3 कितने थे, 1 माइनस एक्स अपॉन 84, तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 में से x माइनस करा मैंने, तो x माइनस करने पे 1 में से कितना आया, 0.443 आया, जिसकी वैल्यू हमने ये ले ली 0.443 अपॉन 84। यहाँ पे जो लिया गया है ये क्या है, ये इसका मोलर मास, इसे डिवाइड करेंगे तो 0.00527 आएगा, यही इसकी वैल्यू यहाँ पे, ऊपर इसकी वैल्यू 0.00526 है। अब 0.0526 0.0527 ऑलमोस्ट सेम है, तो कैलकुलेशन को लंबी ना करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन्हें नियरली इक्वल ले लेंगे किसके, 0.0053 के, दोनों को मैं क्या मान के चलूँगा, 0.0053 लेके चलेंगे हम लोग आगे जब क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे तो। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन में बोला क्या था कि Na2CO3 और NaCO3 किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, HCl के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं। तो हम एक एक करके रिएक्शन देख लेंगे कि Na2CO3 HCl के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, Na2CO3 रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। देखिए
टू एच सी एल प्लस एन ए टू सी ओ थ्री रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, टू एन ए सी एल प्लस एच टू ओ प्लस सी ओ टू, ये प्रोडक्ट बन रहे हैं। हमें प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, हमें क्या मतलब है, सिर्फ हमें रिएक्टेंट से मतलब है, देखने के लिए कि कितने मोल एन ए टू सी ओ थ्री कितने मोल एच सी एल के साथ में रिएक्ट करता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि एक मोल एन ए सी ओ थ्री को दो मोल क्या चाहिए, एच सी एल के चाहिए। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक मोल ऑफ एन ए सी ओ थ्री रिएक्ट्स विद टू मोल ऑफ एच सी एल। एक मोल एन ए टू सी ओ थ्री रिएक्ट कर रहा है दो मोल एच सी एल के साथ में, सबको क्लियरली दिख रहा होगा, ये रहा एक मोल रिएक्ट कितने के साथ में कर रहा है, दो मोल एच सी एल के साथ में रिएक्ट कर रहा है। और उसके बाद में इसी तरीके से पॉइंट हमारे पास कितने रिएक्शन में एन ए टू सी ओ थ्री के मोल्स, 0.0053, मैंने अभी बोला था कि हम 0.0053 लेंगे इस वैल्यू को नियरली इक्वल करके, तो 0.0053 मोल एन ए टू सी ओ थ्री के रिएक्ट कितने के साथ करेंगे भाई, एक दो के साथ कर रहे हैं, तो 0.0053 कितने के साथ करेंगे, टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 0.106 मोल ऑफ एच सी एल। ये क्या है, ये जो यहाँ पे लिखे गए हैं ये एच सी एल के मोल्स हैं आपके। यहाँ पे आपको जो लिख के दिए गए हैं ये वाली वैल्यू जो दी गई है ये किसके मोल्स हैं, ये एच सी एल के मोल्स हैं, ठीक है। इतने मोल एच सी एल के चाहिए होंगे इतने मोल एन ए टू सी ओ थ्री के साथ में रिएक्ट करने में। आई होप इतना पार्ट क्लियर हुआ होगा सबको। चलिए आगे चलते हैं फिर। अब मैंने भाई दूसरा क्या था मिक्सचर में, सोडियम कार्बोनेट का तो कर लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी तो है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का लिखते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एच सी एल के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एन ए सी एल प्लस एच टू ओ प्लस सी ओ टू। अगेन प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है हमें, प्रोडक्ट्स जाए भाड़ में, हमें सिर्फ रिएक्टेंट देखना है, हमें तो सिर्फ रिएक्टेंट से लेना है कि भाई कितने एन ए सी ओ थ्री कितने एच सी एल के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं, वो हम सिर्फ देखेंगे यहाँ पे। तो एन ए सी ओ थ्री और एच सी एल में देखा हमने, तो एक मोल एन ए सी ओ थ्री एक मोल एच सी एल के साथ में रिएक्ट कर रहा है, वही हमने यहाँ पे लिख दिया, वन मोल ऑफ एन ए सी ओ थ्री रिएक्ट विद वन ग्राम सॉरी वन मोल ऑफ एच सी एल। हैं कितने एन ए सी ओ थ्री के मोल, 0.0053, अभी ऊपर बता के आए थे नियरली इक्वल लेंगे, दोनों को सेम ले रहे हैं कि 0.00526 0.00527 की वैल्यू। तो 0.0053 मोल के लिए कितने मोल चाहिए एच सी एल के, सेम चाहिए भाई, एक के लिए एक, तो 0.0053 के लिए 0.0053। अब टोटल मोल्स कितने हो गए एच सी एल के, ऊपर कितना आया था आंसर अभी, एच सी एल के इतने मोल्स चाहिए रिएक्ट करने के लिए किसके साथ में, आपको इतने मोल चाहिए रिएक्ट करने के लिए किसके साथ में भाई बच्चों, ये वाले मोल चाहिए किसके साथ में, एन ए टू सी ओ थ्री के साथ में। और ये वाले मोल जो हमने यहाँ पे निकाले ये किसके लिए चाहिए, ये चाहिए एन ए सी ओ थ्री के साथ में। तो दोनों टोटल मोल कितने चाहिए होंगे मेरे को उस मिक्सचर के लिए, एच सी एल के दोनों ऐड ऑन कर दिया मैंने, और यहाँ से मेरे पास आंसर कितना आ गया, 0.0159 मोल ऑफ एच सी एल आर रिक्वायर्ड। उसके बाद क्वेश्चन में और क्या डेटा प्रोवाइडेड था, एक बार क्वेश्चन पे फिर से नज़र मार लेते हैं। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में उन्होंने मोलैरिटी गिवन थी, क्वेश्चन में उसने कह रखा है कि 0.1 मोलर एस सी एल, मतलब क्या है इसका, मोलैरिटी गिवन है, ठीक है। तो इसी मोलैरिटी के डेटा को इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे वही लिखा गया है कि 0.1 मोलर एस सी एल का मतलब क्या है कि एक मोल एस सी एल का 0.1 मोल एस सी एल का प्रेजेंट होगा 1000 ml सॉल्यूशन में। ये तो कहेंगे भी 0.1 मोल मोलैरिटी है, तो उसका मतलब अगर मैं 1 लीटर सॉल्यूशन मानता हूँ तो उसमें 0.1 मोल एस सी एल प्रेजेंट होगा। तो वही मैंने कहा कि 0.1 मोल ऑफ एस सी एल इज प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो 0.00159 मोल्स ऑफ एस सी एल कितने सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे, वो प्रेजेंट होंगे भाई 0.1 को इधर अपॉन में ले आएंगे 1000 के, ये ले आए 0.1 को अपॉन में इसके, और चेन निकालने कितने में, 0.00159 में निकालने हैं, तो क्या कर देंगे हम लोग 0.00159 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए 0.00159 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इतना सॉल्यूशन हमें क्या होगा चाहिए होगा, यहाँ से सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास में आंसर कितना आएगा, 159 आएगा, ये रहा 159। तो हम यहाँ से कहेंगे कि भाई 159 ml ऑफ 0.1 मोलर एस सी एल चाहिए, किसके लिए चाहिए, रिएक्ट करने के लिए एक ग्राम मिक्सचर, जो को किस चीज़ का मिक्सचर है, वो है एन ए टू सी ओ थ्री और एन ए सी ओ थ्री का, जिनकी जो कैसे हैं सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन है। आई होप सबको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन यहाँ तक पूरा, कोई दोबारा समझाने की जरूरत नहीं होगी, अगर किसी को कोई दिक्कत रहती है तो दोबारा आप वीडियो प्ले कर सकते हो पीछे से आके, तो क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। थोड़ा सॉल्यूशन लेंदी था इसलिए शायद हो सकता है आप लोगों को प्रॉब्लम आई हो, थोड़ा अलग तरीके का था कुछ क्वेश्चन। चलिए
एक और क्वेश्चन में आपने प्रॉब्लम बताई थी, वो था क्वेश्चन नंबर 9th। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वॉज फाउंड टू बी सीवियरली कंटेमिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म। एक ड्रिंकिंग वाटर था जो कि कंटेमिनेटेड था किसके साथ में, क्लोरोफॉर्म के साथ में। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला सबको पता होगा, CaCl3, विच इज सपोज टू बी अ कार्सिनोजन, जो कि एक कार्सिनोजन है। कार्सिनोजन क्या होता है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके पास कैंसर कॉजिंग प्रॉपर्टीज होती है, मतलब हो सकता है कि वो कैंसर कॉज कर सकता है व्हेन कंज्यूम्ड इन अ लार्ज अमाउंट। द लेवल ऑफ कंटेमिनेशन वॉज, यहाँ पे कंटेमिनेशन का लेवल कितना दिया है, 15 ppm। 15 ppm, ppm सबसे पहले जो वीडियो डाली थी मैंने सॉल्यूशन चैप्टर की, उसमें पढ़ाया था पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं ppm को, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ppm हमेशा। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, पार्ट्स पर मिलियन। तो आपको करना क्या है, इस जो पार्ट्स पर मिलियन है इसे एक्सप्रेस करना है किसमें, परसेंट बाय मास पर। परसेंट बाय मास भी आपको वहाँ पर पढ़ाया था। दूसरे पार्ट में क्या करना है, आपको मोलैरिटी निकालनी है क्लोरोफॉर्म की। कुछ भी नहीं, आसान क्वेश्चन है। तो हम करेंगे क्या, 15 पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास सॉल्यूशन के कितने पार्ट्स हैं, अगर 1 million पार्ट्स हैं, 10^6 पार्ट्स हैं मेरे पास सॉल्यूशन के, तो उन 10^6 पार्ट्स में 15 पार्ट्स किसके मिले हुए होंगे, 15 पार्ट्स होंगे क्लोरोफॉर्म के। ये होता है 15 पार्ट्स पर मिलियन का मतलब। कुछ बच्चों ने उस टाइम पे कहा था कि भैया एग्जांपल दे के समझा दो पार्ट्स पर मिलियन का, तो मुझे पता था आगे चल के क्वेश्चन आएगा पार्ट्स पर मिलियन का, तो वहाँ पे जाके मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ सबको उनको क्लियर हो रहा होगा। 15 ppm किसी की वैल्यू है, दैट मीन्स कि 15 पार्ट्स प्रेजेंट हैं उसके। अगर 1 million पार्ट्स सॉल्यूशन के हैं तो उसमें उसके 15 पार्ट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। लेकिन इसे उसने बोला कि ppm में नहीं, हमें कैसे चाहिए, मास परसेंट में चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, मास परसेंट में निकाल देते, कौन सी बड़ी बात है। मास परसेंट में कैसे निकालेंगे, 15 पार्ट्स प्रेजेंट हैं, कितने में प्रेजेंट हैं 15 पार्ट्स, 10^6 में प्रेजेंट है। तो 15 upon 10^6 भाई ऊपर लेते थे जितने हैं होते हैं, नीचे क्या लेते थे, टोटल लेते थे परसेंटेज निकालने के लिए। परसेंटेज निकलेगी कब, जब ही निकलेगी, जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे। 100 से मल्टीप्लाई कर लिए, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ गया 15 × 10^4। इतनी परसेंट जो है वो प्रेजेंट है किसमें, आपका जो भी वाटर है, वाटर के सैंपल है, वाटर सॉल्यूशन है, उसमें इतना क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है बाय परसेंट। तो सोच सकते हो कि कितना कम परसेंट है, 15 × 10^-4 का मतलब है 0.0015%। तो कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है बिल्कुल। पर हाँ ये है कि अगर क्लोरोफॉर्म इतना भी प्रेजेंट है तो भी पानी कंटेमिनेटेड होगा और वो नुकसान दे सकता है, ठीक। तो ये हो गया एक्स्ट्रा ज्ञान इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आगे चलते हैं, दूसरे पार्ट में कहा गया उसने कि दूसरे पार्ट में बोला कि मोलैरिटी निकालो, सॉरी मोलैरिटी निकालो। मोलैरिटी कैसे निकालते हैं सबको पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो हम बस वही करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए अब हम यहाँ पे ये सब चीज़ें मान के चलेंगे, क्योंकि जो हमें वैल्यू गिवन है 15 ppm की, उसके हिसाब से मैंने बोला कि जो सॉल्वेंट था वो कितना था, 10^6 ग्राम था। 10^6 ग्राम सॉल्वेंट था, तो उसमें 15 ग्राम क्या था मेरे पास में, सॉल्यूट था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मोलर मास निकाल लो आप CaCl3 का, जो सॉल्यूट का मोलर मास है भाई, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी ना इसकी। तो मैंने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली, वैल्यू फाइंड आउट करी तो क्या है मेरे पास में, CaCl3 का मोलर मास आया 119.5। उसके बाद में नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास, ये वैल्यू गिवन मास की, उसके बाद गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये वैल्यू होगी मोलर मास की, डाल दिया। सॉल्व कर लोगे तो आंसर निकाल सकते हो, मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ये डाल दिए सॉल्वेंट का मास kg में डालेंगे, ये किलोग्राम में है इसलिए मैंने यहाँ क्या कर दिया, इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। सॉल्व करोगे यहाँ पे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 1.25 × 10^-4 मोलल। ये स्मॉल m कोई वैसे तो नहीं समझोगे, पर हो सकता है किसी को कन्फ्यूजन हो जाए, स्मॉल m ये मोलैलिटी की यूनिट है, ठीक है। स्मॉल m क्या है, ये मोलैलिटी की यूनिट है, इसका मतलब क्या होता है, इतना मोलल, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये यूनिट लगाने अगर आप भूल जाते हो तो नंबर कट जाते हैं एग्जाम में। तो ये यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है। 6th question, 9th question, 14th question मैं बता ही चुका हूँ आप लोगों को कैसे करना है, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम रहती है जिस भी क्वेश्चन में तो बताइएगा, शेयर करिएगा अपना फीडबैक, वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा। चलिए आगे एक्सरसाइज के जब सॉल्यूशन कराएंगे उसमें मिलते हैं। टाटा बाय बाय, लाइक करना वीडियो को, अच्छी लगी हो तो भाई बाय।